बताइए आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम वैशाली शर्मा है और मैं यहाँ पिछले 6 दिन से बैठी हुई हूँ और मेरी समस्या ये है कि पुलिस ने मेरे ही केस को दबाने के लिए मुझसे 307 का झूठा केस लगा दिया, जिसमें मुझे 1 महीने की जेल भी हो गई है। कि बिल्कुल झूठा षड्यंत्र के तहत लगाया हुआ केस था, जिसकी मैं मांग रख रही हूँ कि निष्पक्ष जाँच की। पर यहाँ से लेकर सारे बरेली तक के आला अधिकारी, यहाँ तक कि जनता दरबार, DGP सबके पास मैं गई, पर मेरी निष्पक्ष जांच की सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। निष्पक्ष जांच की सुनवाई इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उनके अधिकारी जो कि KK वर्मा और सुपेंद्र मलिक उसमें लिप्त हैं, बहुत बुरी तरह से लिप्त हैं। मामला थाना किला बरेली का। आपकी वहाँ पर जिला प्रशासन में आपको किसी से बात हुई आपके द्वारा? हाँ, मेरे द्वारा ADP सर, IG सर, SSP और SSP, तो मामले की जांच तो बहुत दूर की बात है, मामले को घुमाया जा रहा है। उसे निष्पक्ष जांच के लिए एक बार नहीं कई बार गुहार किएगी, विवेचना के लिए कई बार गुहार किएगी, पर उन्होंने साफ कह दिया बोले हम कुछ नहीं कर सकते, आप CBI की मांग कर लीजिए। लेकिन जब कोर्ट का आदेश मेरे फेवर में है और आप मुझसे वो घर छीनेंगे, मेरे साथ गलत हो रहा है, उसके लिए आप बोलेंगे नहीं मुझे दबाएंगे, तो मैं किसके पास गुहार लगाने जाऊँ? इंसान थाने जाता है, थाने में पुलिस उसको उल्टा अत्याचार करती है। यहाँ योगी जी के दरबार आ रहे हैं, योगी जी के दरबार में मोदी जी का ये नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पर इतनी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई मदद के लिए नहीं आएगा। 1 हफ्ता बैठने के बाद में भी अभी तक कोई सही आश्वासन आया नहीं है, अब मरने के सिवा कोई चारा बचता नहीं है। जेल आपको क्यों भेजा गया? जेल 307 का झूठा केस इसलिए लगाया हुआ ताकि वो मुझसे मेरा घर छीन सके कोर्ट के आदेश के बाद भी। आपको पति परेशान कर रहा है? पति, उसके भाई और उसके भतीजे, उनके विरुद्ध तो आपने FIR लिखाई? हाँ, FIR लिखी गई उनके खिलाफ। हाँ, लिखी गई है। क्या कार्रवाई हुई उस पर? कुछ कार्रवाई क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि कार्रवाई होगी तो तुम्हें बता के थोड़ी ना करेंगे, जो होगी वो हो जाएगी और जो जांच होगी वो भी तुम्हें बताई नहीं जाएगी, हो जाएगी। लेकिन हर बार पिछले 10 साल से मैं परेशान हो रही हूँ, जांच के नाम पे कुछ नहीं होता। मेरी एप्लीकेशन, मेरी FIR या कुछ भी करूँ, पहले तो होती ही नहीं है, लेकिन पहली बार हुएगी और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, उसे दबा दिया जा रहा है, अभी तक उन लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ है।